लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो को भेजा गया समन। तेजस्वी यादव खुद 29 और 30 जनवरी को अदालत के समक्ष होंगे पेश। बिहार में जारी राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली की एक अदालत ने लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, अमित काटियाल, हृदयनंद चौधरी को समन भेजकर आगामी 9 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा है। वहीं इस मामले में लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव खुद 29 और 30 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होंगे। बता दें कि इस मामले में आरोप पत्र काफी पहले ही दाखिल हो चुका था, जिसमें राजद सुप्रीमो पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत के दौरान इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। ध्यान दें कि लालू परिवार को इस मामले में यह समन ऐसे वक्त में भेजा गया है जब बिहार में राजनीतिक घमासान तेज है। चर्चा है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पिछले कई दिनों से जिस तरह से बीजेपी से उनसे नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसे ध्यान में रखते हुए नीतीश के बीजेपी में जाने की चर्चा अपने चरम पर है। इसी कड़ी में आज वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे के साथ पूजा पाठ करते हुए भी दिखे, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी ने उन पर निशाना साधा। इससे पहले लालू की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी उन पर निशाना साधा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया था। खैर, अब आगामी दिनों में बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या रुख अख्तियार करती है, इन सब पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर लैंड फॉर जॉब मामला है क्या। आपको बता दें कि यह उन दिनों का मामला है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। तब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने इस पद का दुरुपयोग करते हुए अभ्यर्थियों से उनकी जमीन अपने नाम लिखवाकर उन्हें रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी दिलवाई थी, जबकि रेल विभाग की ओर से नौकरी के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन जारी नहीं किया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले की सीबीआई जांच जारी है। जांच एजेंसी अदालत के समक्ष आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को आरोपी बनाया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब ऐसे में यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।